नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर एस एनिमल प्लैनेट में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मई और जून के महीने में अपने कबूतरों को कैसे उड़ा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको कबूतरों को उड़ाने का नुस्खा बना के दिखाएंगे। और दोस्तों, इस नुस्खे में आपको ज़्यादा चीज़ों को लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम आपको दो आइटमों से ही कबूतर उड़ाने का नुस्खा बना के दिखाएंगे। तो दोस्तों देखो, जैसे कि पहली आइटम है ये हरी इलायची और दूसरी आइटम है देखो बादाम की गिरी ऊपर ले। तो दोस्तों, इसमें आपको हरी इलायची की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, तो दोस्तों आपको इसमें हमने 11 हरी इलायची गिरी हैं 11, और हमने इसमें बादाम गिरे हैं 22। हरी इलायची से दुगने बादाम गिरने, हमने 11 इलायची गिरी हरी तो हम इसमें बादाम गिरेंगे 22, और इनको दोस्तों हम कूट लेंगे, इनको दोस्तों बढ़िया करके कूट रहे हैं। तो दोस्तों, जब मैं इसको कूट लूँगा, कूटने के बाद आपको दिखाऊंगा कि ये दवाई की गोलियां जो है कैसे बनानी है। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद पीसने के बाद आपका ये चूरन पाउडर ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल ये देखो ऐसा पाउडर हो जाएगा, और आपको इसको और ज़्यादा पीसना है दोस्तों। ये दोस्तों आपका पाउडर ऐसा बन जाएगा देखो। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके अंदर आप तो शहद हो तो अगर शहद मिला सकते हो थोड़ा सा, जिससे कि इसकी गोलियां बन जाए शहद मिला के। अगर आप पे शहद हो तो आप शहद मिला के इसकी गोली बना सकते हैं। अगर शहद ना हो तो मिश्री आती है, मिश्री होती है चीनी जैसी, मिश्री की चाशनी बना के एक चम्मच मिश्री की चाशनी गेर के इसके अंदर, उससे भी आप इसकी गोली बना लें। और गोली बनाने के बाद एक एक गोली सुबह शाम को उत्तर को रोज़ दें, एक हफ्ते तक लगातार देनी है आपको एक एक गोली। और एक हफ्ते बाद आप कबूतर बेझिझक उड़ाओ, कबूतर बढ़िया उड़ेंगे आपके। और इसमें कोई हमने दवाई दुवी नहीं डाली, एविल अविल की गोली कोई नहीं डाली हमने इसमें, ये देसी नुस्खा है, इसका इस्तेमाल करोगे कबूतर बढ़िया उड़ेंगे। तो आज की जानकारी में इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।